हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की बोटनेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है 7 इंच, आर्महोल है 7 इंच और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे। 34 का एक चौथाई लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का एक चौथाई लेंगे 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, नेक विड्थ लेंगे 4.25 इंच, 3.75। नेक का लेंथ रखेंगे 4 इंच। नीचे से भी विड्थ हमें 4.25 इंच रखना है, 3.75। सभी निशान को बराबर में मिला देंगे। एक निशान अब नीचे के साइड इस तरह से लगाएंगे 1.5 पे, यानी 1.5 इंच पे निशान को लगाएंगे और इसे भी देखिए हम बराबर में मिला देंगे। तो इसके पहले हम टोटल लेंथ का निशान लगा लेंगे। टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा है। नीचे से विड्थ 4.25 इंच रखना है। सभी निशान को बराबर में पहले मिलाएंगे और जो हमने सेंटर पे ये मार्क लगाई है इसे भी मिला लेना है। अब देखिए डिज़ाइन के लिए हमें मार्क लगाना है, तो पहले ऊपर हम बोटने का शेप देंगे और इस साइड कॉर्नर से देखिए हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यानी 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और राउंड में इसे इस तरह से मिला देंगे। तो नेक की मार्किंग मैंने कर लिया है, अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट को हमने कट कर लिया, अब ऊपर वाले नेक पार्ट को भी कट कर लेना है। और आप चाहे तो आप इस पे पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं नेक की फिनिशिंग के लिए। तो मैं ये ब्लाउज़ बिना पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ कर रही हूँ, यानी बिना पेपर पेस्टिंग का ही बना रही हूँ। अब देखिए हम मेन फैब्रिक के सीधे साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे, ऊपर से अस्तर फैब्रिक को रखेंगे और अच्छे से चारों तरफ पिनअप करेंगे। तो पहले हमें सेंटर वाले नेक पार्ट को स्टिच करना है। तो इसके पहले देखिए हमें चारों तरफ पहले पिनअप कर लेना अच्छे से और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेक पर स्टिच लगानी है। स्टिच मैंने बराबर में लगा दिया है। अब जो हमने पिंस लगाई है सारे पिंस को खोल लेना है और सेंटर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, पूरे नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। बराबर में पूरे नेक पार्ट को कट कर लेंगे, सेंटर वाले नेक पार्ट को। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, कॉर्नर पर भी कट्स लगाएंगे। बस ध्यान रहे जो हमने स्टिचिंग लगाई है स्टिच कट ना हो। और अब हम अस्तर फैब्रिक को सीधी तरफ को पलट लेंगे। तो ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से देखिए सीधा कर लेना है। तो मैंने बराबर में सेंटर पे देखिए अस्तर फैब्रिक को उल्टे तरफ को पलट के ब्लाउज वाले पार्ट को सीधा कर लिया है। अब हम कॉर्नर की स्टिच करेंगे। तो पूरे नेक के डिजाइन के अकॉर्डिंग कॉर्नर की स्टिच लगा लेना है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब हम ब्लाउज़ में ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए ब्लाउज़ वाले पार्ट को उल्टे तरफ को पलट लेंगे और नेक वाले साइड से हम स्टिच लगानी है। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर की स्टिच करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। हाथ से दोनों फैब्रिक को बराबर करते जाएंगे ताकि फैब्रिक के अंदर कोई भी सेल या क्रीस ना रहे। तो देख सकते हैं मैंने चारों तरफ सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे, मेन फैब्रिक के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे अस्तर फैब्रिक के बराबर में। तो साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। अब हम इस पर टक्स की स्टिचिंग करेंगे। इसके पहले देखिए जो हमने बोट नेक बनाई है इस पर हम फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें एक उड़ेब पट्टी लेना है, इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी उड़ेब पट्टी लेना है, यानी क्रॉस पट्टी लेना है और फिर इसे देखिए इस तरह से बराबर में हमें स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है तिरछे में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हुए ब्लाउज़ के नीचे के साइड हमें रखना है। ब्लाउज़ वाले पार्ट को उल्टा कर लेना है इस तरह से और नीचे के साइड फोल्ड करते हुए उड़ेबे पट्टी को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को नेक वाले साइड पे जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पट्टी को इस तरफ को पलट के पट्टी को ऊपर से स्टिच लगाएंगे। और अब पट्टी को उल्टे साइड को पलट लेंगे और ऊपर से एक रफ स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो बाद में इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। नेक की फिनिशिंग बराबर में हो गई है। अब हम इस पर टक्स की स्टिचिंग लगाएंगे।
तो साइड से देखिए सेंटर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से और टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखेंगे, 4.5 इंच। इसी तरह से दूसरे साइड को भी फोल्ड करेंगे और टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड टक्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कमर पे कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो 1.5 से 2 इंच पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। पट्टी को ऊपर के साइड रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, पट्टी को इस साइड को पलट लेंगे और पट्टी के ऊपर से ही एक सीधी सिलाई लगाएंगे। और अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ को पलटते हुए कमर पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो ब्लाउज की सिलाई हो गई है, तो इसे करते हैं साइड। अब हम डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे कॉन्ट्रास्ट में। पट्टी का विड्थ 2.5 इंच है, 2.5 इंच। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करेंगे और कॉर्नर की स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। पूरे पट्टी में हमें बराबर में इसी तरह से ज्वाइंट लगा लेना है। तो ये जो पट्टी है इससे हम फ्रिल बनाने वाले हैं, तो ये जो पट्टी है इसका लेंथ हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद जो पट्टी है वो छोटी पड़ जाती है। अब देखिए इस पर हम छोटे छोटे प्लेट डालते हुए अच्छे से बराबर में स्टिच करके फ्रिल को बना लेंगे। देख सकते हैं मैं फ्रिल को किस तरह से बना रही हूँ। पूरे पट्टी में इसी तरह से छोटे छोटे प्लेट बिल्कुल इक्वल में डालते हुए फ्रिल को रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रिल बन चुकी है। तो इसे करते हैं साइड। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और इसके जो सेंटर वाला डिज़ाइन हमने बनाई है इसके सेंटर पे हमें फ्रिल ज्वाइंट करना है। तो सेंटर पे देखिए नीचे के साइड हम इस तरह से फ्रिल को रखेंगे और पूरे नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे ब्लाउज वाले पार्ट के साथ। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेंगे और इस पर अब हम लेस लगाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने लेस लिया है। लेस को देखिए नेक के कॉर्नर पे इस तरह से बराबर में रखेंगे और स्टिच करके बराबर में लेस को जॉइंट करेंगे। लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए लेस को जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और अब नीचे वाले साइड पर हमें लेस जॉइंट करना है इस तरह से। मैंने यहाँ पर सेम लेस ही यूज किया है, आप चाहे तो अलग लेस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे हमें लेस को रखना है और स्टिच करके एंड तक लेस को जॉइंट कर लेना है। तो देख सकते हैं लेस की स्टिचिंग हो गई है। अब जो हमने बोटनेक ऊपर वाला डिज़ाइन बनाई है उस पर भी हमें लेस को अटैच करना है। बराबर में लेस को रखेंगे और स्टिच करके लेस को नेक वाले साइड हमें जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, दोनों साइड जो एक्स्ट्रा धागा निकला है इसे भी कट कर लेंगे और नीचे के साइड भी चाहे तो आप इस तरह से लेस को जॉइंट कर सकते हैं इस तरह से। तो आज की ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट है। आज की ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।